जब वैज्ञानिक स्पेस में कोई और स्टार या सोलर सिस्टम देखते हैं तो वैज्ञानिकों को यह भी जानने की उत्सुकता होती है कि क्या उस स्टार को कोई प्लैनेट भी ऑर्बिट कर रहा है या नहीं। अगर ऑर्बिट कर रहा है तो उस सोलर सिस्टम के कितने प्लैनेट हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पेस एरा और आज हम जानेंगे कि यह कैसे पता लगाते हैं कि किसी स्टार को कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है या नहीं। यह पता लगाने के कि कोई स्टार को कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है या नहीं, दो तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका यह है कि जब कोई प्लैनेट स्टार को ऑर्बिट करता है तो प्लैनेट की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर वह स्टार अपनी जगह से थोड़ा हिलने लगता है और एक तरीके से वाइब्रेट होने लगता है। यह तरीका पहले एक्सोप्लैनेट खोजने में के लिए यूज किया जाता था। जैसे इस तरीके को देख कर ही पता चल रहा है कि यह इस तरीके से प्लैनेट को ढूंढना कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर प्लैनेट का साइज ज़्यादा छोटा हुआ जिसमें स्टार वाइब्रेट ना हो कर रहा हो तो उस सोलर सिस्टम में यह पता नहीं लग पाएगा कि वहाँ कोई प्लैनेट है या नहीं। इसमें कई सारे सोलर सिस्टम छूट जाते थे जिनमें प्लैनेट तो होते थे लेकिन उनका साइज छोटा होता था और जिसके कारण उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम होता था। इससे उस प्लैनेट का ग्रेविटी फोर्स इतना नहीं होता कि वह स्टार को थोड़ा भी वाइब्रेट कर सके। इस तरीके में इतनी सारी खामियां होने की वजह से दूसरा तरीका खोजा गया जिससे एक्सोप्लैनेट को खोजना और आसान हो। और वो दूसरा तरीका जिससे पता किया जाता है कि स्टार को कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है या नहीं, यह है कि जब एक प्लैनेट जो स्टार को ऑर्बिट कर रहा है जब भी वह स्टार के आगे से गुजरेगा तो वह उस स्टार से आने वाली लाइट को ब्लॉक करेगा जिससे उस स्टार से आने वाली लाइट में कमी आएगी। ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि स्टार की लाइट को जो ऑब्जेक्टिव ब्लॉक कर रहा है वह का कोई झुंड तो नहीं या कोई इंटरस्टेलर स्पेस का कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इसलिए यह देखा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट कितने समय के अंतराल के बाद उस स्टार की लाइट को ब्लॉक कर रहा है। अगर सभी आंकड़े सही बैठते हैं तो यह साबित हो जाता है कि उस स्टार को कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है। अगर स्टार की लाइट में यह रुकावट एक से अधिक बार आती है और समान समय के बाद रिपीट होती है तो उससे यह पता चलता है कि उस स्टार को एक से अधिक प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से भी प्लैनेट को खोजना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने होस्ट स्टार की लाइट का 1% से भी कम प्रकाश ब्लॉक करता है, जिससे सेंस करने के लिए काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आप ऐसी और भी वीडियो को देख सकें।